जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो यह तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहो, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण ज्ञान। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। अधिक अच्छा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसे ही जैसे आप जहर से तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु, और एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी का डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भगवत गीता में लिखा है इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, और कुछ अंदाज और कुछ नज़रअंदाज करके। जय कृष्ण, श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की एक्सरसाइज वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा मोटिवेशन स्पीच इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा, और भगवान का श्रवण करना तो बहुत अच्छी बात होती है, और मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ। क्योंकि अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा वो नहीं करेंगे, और बुरा हो भी रहा है तो अच्छा ज़रूर होगा। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और यहाँ पे जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करती हूँ, जो मुझे जो है सरल लगता है और जिसको मैं कर सकती हूँ। और डेली मैं अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ, एक तरीके की नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही बोर हो जाऊँगी करते करते। तो भाई, इतने सालों की चर्बी है, इतने जल्दी तो घटेगी नहीं, है ना। 2010 से मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ। थायराइड हुआ, उसके बाद वज़न इतना तेज़ी से बढ़ा कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मेरे गलत खान पान सबसे ज़्यादा ये है, जो भी मिलता निगल लिया, चबाया नहीं, 8-10 बार मुश्किल से चबाया, उसके बाद निकला, 8-10 बार मुश्किल से चबाया निकला। यहाँ पे मैं भूल गई थी एप्पल विनेगर लेने को। एक चम्मच मैं डेली जो है एप्पल विनेगर लेती हूँ, पानी में, गुनगुने पानी में, या तो कभी कभी सादे में भी ले लेती हूँ।
तो वही मैं ले रही हूँ। और पानी हमेशा बैठ के और सिप सिप करके पीना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जब खड़े होके आपके पानी पीते हो ना, तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि आपका घुटना जल्दी ख़राब हो जाता है और दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता है। तो जिस चीज़ को आप जानते हो भाई, उस चीज़ को मत करो। तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ, इसलिए मैं 90% कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पानी बैठ के ही पीऊँ, खड़ी होकर पानी मैं ना पीऊँ। क्योंकि अगर ख़राब हो जाएगा तो कोई तो काम आएगा नहीं, आपको ही टेंगड़ टेंगड़ करके चलना पड़ेगा। तो अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, कोई दूसरा रखने नहीं आएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। और एक्सरसाइज के बीच बीच में मैं थोड़ा सा पानी इसलिए पीती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भयानक गर्मी है और इस गर्मी में एक्सरसाइज करना जो है आसान नहीं है। पंखा चलता है पर पंखा जो है बहुत धीरे चलता है। यहाँ की जो है, मुझे लगता है लाइट इस समय स्लो आती है। स्लो नहीं आती है, सबके घरों में एसी चल रहा, ये भी एक वजह हो सकता है, रीज़न हो सकता है। क्योंकि गर्मियों में यही पंखे तो ऐसे चलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कैसे कर दूँ जो स्लो लाइट आ रही, लाइट स्लो हो जाती है। एसी, कूलर, पंखा, सब कुछ तो सबके घर में चल रहा, दो दो तीन तीन चल रहा, तो ये भी रीज़न है। और मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, उसको 30 बार कम से कम करती हूँ, उससे कम तो नहीं करती हूँ। जो बहुत टफ होता है जैसे जंपिंग जैक जो होता है ना, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे चेस्ट में फिर दर्द होने लगता है, हार्ट बीट जो है मेरी काफ़ी तेज़ से बढ़ जाती है तुरंत। तो मैं उसको कम ही करती हूँ और ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी भाई, तो कौन करेगा मेरा, सब कुछ मुझे ही करना होता है, बच्चों का अपना सब कुछ देखना सुनना, बाहर का करना, घर का करना, तो अकेले मैनेज करना। मैं ही माँ हूँ उनकी, मैं ही बाप हूँ, हमारे कोई आगे पीछे तो नहीं है हमारी मदद करने वाला। तो बस दो एक लोग हैं जो हमारे साथ हमारी बहुत केयर करते हैं, मदद करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का नहीं करता है, घर में तो बिल्कुल नहीं करता। अगर आपकी फैमिली अच्छी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो आपसे कोई मतलब नहीं रखेगी, ना ही आपकी हेल्प करेगी। आप मरो चाहे जियो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाए हैं, सारे जो है नॉर्मल एक्सरसाइज हैं। आप इसको डेली अपनी जो है ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, मेरी एक्सरसाइज वीडियो देख के आप लोग भी एक्सरसाइज करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी खुश होंगी। आप लोग कमेंट करना, आप लोगों में से कितने लोग मेरी वीडियो देख के एक्सरसाइज करते हो। यार ज़िंदगी में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 साल ऐसे रह के देख लिया, मोटी मोटी भैंस, मोटी आंटी, क्या क्या लोग नहीं बोल देते। तो उनके मुंह पे मुझे करारा तमाचा मारना है अपना वेट कम करके। तो फिर आप भी मेरे साथ वेट कम कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।